हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ओवेरियन कैंसर, जिसको हम लोग कहते हैं ओवेरियन कार्सिनोमा भी कहते हैं। तो ओवेरियन कार्सिनोमा क्या चीज़ है, ओवेरियन कैंसर क्या है? तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें एक यूट्रस होता है। यूट्रस जो होता है हमारे, उसमें फॉलोपियन ट्यूब होती है, जिससे कि ओवम का निर्माण होता है। ओवरीज में क्या हो जाता है कि मल्टीपल सेल्स की ग्रोथ होने लगती है कैंसर की, जिसे हम कैंसर कहते हैं। तो मल्टीपल सेल्स की ग्रोथ जब होने लगती है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक सिस्ट का फॉर्म कर लेता है। अगर कैंसर की सेल्स आ जाती हैं, तो वो सिस्ट भी बन सकता है, ट्यूमर भी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें होती है पेशेंट को, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि फिर पेशेंट परेशान होता है, उसको कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी लेनी पड़ती है, काफ़ी प्रोसेस करने पड़ते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना रहता है। तो हम इसके सिम्टम्स की बता दें ओवेरियन कैंसर की। ओवेरियन कैंसर का सिम्टम्स ये होते हैं कि उसको वोमिटिंग आएगी, उसका हीमोग्लोबिन कम होगा, उसके पीरियड्स वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें फीवर भी आता है इसको, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो पेशेंट इस कंडीशन में बहुत परेशान हो जाता है। तो अब हम इसके काउजेस की बात करें, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी हो सकता है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन और खान पान से भी होता है। आजकल तो सभी को मैं देख रहा हूँ कैंसर बहुत नॉर्मल हो गया है, सभी को हो जाता है। तो अभी हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट इसका तीन टाइप में होता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी। तो इसमें क्या होता है कि स्टेज वाइज ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी चलती है, फिर रेडियोथेरेपी भी होती है, फिर सर्जरी होती है। जब हमारा काफ़ी सेल्स की ग्रोथ हो जाती है, वो सिस्ट या ट्यूमर का रूप ले लेता है वो चीज़, तब हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको क्या करते हैं कि काट करके निकालते हैं। जैसे यूट्रस में हमारा ट्यूमर हो गया, तो उसको हम लोग काट करके ख़त्म कर, जैसे कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो उसमें मैं आपको एक बायोप्सी दिखा दे रहा हूँ पेशेंट की है। तो उसमें यही होता है कि देखिए, पूरी तरह से यूट्रस निकला होता है, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये होते हैं हमारे, ये हमारा जो होता है, ये ओमेंटम होता है, जो कि हमारे जब अपर लेयर में होता है, जो हमारे सरफेस पे होता है, उसके लिए ये है। क्योंकि जब ओवेरियन कार्सिनोमा होता है, तो कई पार्ट में वो फैल जाता है, तो इसलिए हमें जितने भी करीबी ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी डैमेज पहुंचाता है, तो इसलिए उनको भी थोड़ा हमको रिमूव करना पड़ता है। ये देखिए, ये हमारा ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन है पूरा, ये हमारे यूट्रस है पूरा, देखिए ये देख रहे हैं कि पूरा यूट्रस है हमारा, और ये भी उसके पार्ट हैं छोटे मोटे। तो ये सब जो जाते हैं, ये सब बायोप्सी के लिए जाते हैं। तो इसको देख लीजिए ध्यान से, ये होते हैं हमारे, ये हमारा ओमेंटम होता है, ये हमारा होता है यूट्रस। यूट्रस देखिए कैसा हो गया है, ये अप टू 40 to 60 एज के एज में होता है ऐसा ओवेरियन कार्सिनोमा, जिसे हम कैंसर भी कहते हैं। कैसी लगी दोस्तों बायोप्सी? और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।